नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव व 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के उपरांत सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व तिरंगा, प्यारा गीत व समूह नृत्य जननी, वतन याद, मंजर है नया आदि की झनकार पर लोग हर्षातिरेक से झूम उठे। इस अवसर पर इंटर हाउस नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजय हाउस को पुरस्कृत भी किया गया। We'll be right back.
संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप शहीदों के जीवन से सीख लेते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित हों, तभी हमारा समाज और देश समृद्ध होगा। विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव ने कहा कि ये बच्चे ही देश की तकदीर हैं, और यदि इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो ये देश के सच्चे सिपाही के रूप में भविष्य में देश की सेवा के लिए तैयार एवं तत्पर होंगे। प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता को त्याग कर वस्तुनिष्ठ मानसिकता रखते हुए अपने प्रबुद्ध शिक्षक वृंद के कुशल निर्देशन से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को आज के दिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि विद्यालय में 15 अगस्त उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आज ही के दिन अब से आप लोगों का, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में पठन पाठन का कार्य जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक कराया जाता है। झंडा टू झंडा के बीच में जो समय रहता है वो टीचिंग का समय रहता है। सभी स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कड़ी मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अच्छे से पठन पाठन करिए, तभी टीचर्स इसका ध्यान दें। सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का ये जो दिन है, ये मेनली उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जो बहुत से मजदूरों, गरीबों, किसानों ने बहुत मेहनत करके, अपनी जान की बाजी लगा के, बहुत सी लाठियां खा के अपने पौरुष से इस देश को आज़ाद करवाया। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें आज़ादी जब किसी भी देश को मिलती है उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है वहाँ के नागरिकों पे। ये आज़ादी बनी रहे, देश उत्तर तरक्की करता रहे, उसके लिए हमें अपने को तन मन धन से इस देश की सेवा में लगाना होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हमें प्रोत्साहित करना होगा कि वो किस प्रकार से अपना सर्वस्व इस देश की प्रगति के लिए दे सकते हैं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ झुक कर करें उन्हें सलाम जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वो जिसका खून वतन के काम आया है। इसी के साथ हम आप सभी देशवासियों को, आजमगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से यह अपील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह है आप सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने घर घर तिरंगा लहराएं, हर घर पे तिरंगा फहराएं। यही अपील हम आप सभी से करना चाहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरवशाली क्षण है जिसको हम सभी लोग मना रहे हैं, क्योंकि यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह हमारे बहुत से शहीदों की शहादत से मिली है। उनकी शहादत को नमन करते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को एक बार फिर से जयकारे के साथ भारत माता की जय। आई एम अवंतिका खंडेलिया, डायरेक्टर ऑफ डालिम सनबीम स्कूल एंड हियर आई वुड लाइक टू विश अप फ्रॉम माय टीम एंड फ्रॉम माय सेल्फ अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। This year on 15th of August 2024, we are going to celebrate our 78th year of independence from the Britishers. Under the theme of Viksit Bharat that has been given by our ongoing government under the influence of transforming our nation
by 2047, where our India is going to mark 100 years of Independence Day. So let's not take this day as a normal holiday, but we should all remember our freedom fighters, those who gave up their life, sacrificed their life, shed their blood to give us a better future. We are sitting here, we are breathing with a better life, with a better future. So let's not take this day granted. So as an educator, we would always strive to give a better future, build a better future, a better place to live, and also preserve our nation's pride and its honor. This is all from my side. Wish you a very happy Independence Day again. Jai Hind, Jai Bharat. स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी अभिभावकों, बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, जनपद वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी अपने संस्थानों पर, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसमें अपना योगदान दें। एक अच्छे नागरिक बन करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, जबकि शासन और संगठन दोनों की तरफ से तिरंगा मुक्त में दिया जा रहा है। आप सब अपने घरों पर तिरंगा लगाकर धूमधाम से 15 अगस्त मनाएं। आप सबको पुनः एक बार 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर समस्त नगरवासियों को, विद्यालय की समस्त छात्राओं को, विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व है, इसको उल्लास और हर्ष के साथ मनाएं। एक बार पुनः सभी जनपद के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।